बसमरिमदिल्लाबीन व्लबीना محمد वाली व واصحابه अजमैन معزز नादरीन प्यारे भाइयों और बहनों आज की इस नई मजलिस में आपके सामने असर क़ादर का एक सच्चा वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ फिर उससे हमें आपको क्या इबरतें क्या फवाइद क्या इल्मी और तरबियती फायदे मिलते हैं उनका जिक्र आपके सामने होता है आज के कस्से का हमने रखा है कुरान से महबत असल वाक़ यह है कि आज से चंद साल कबल है बल्कि बीस पच्चीस साल हो गए होंगे सोवियत यूनियन के पार्क में कुछ कोयती तलबा बैठे हुए थे क्योंकि वो हफ्ते के आखिर में छुट्टी के दिन थे तो आम लोगों के तरीके से सैर और तफरी के लिए वो तलबा भी गए हुए थे वो किसी उस पार्क के एक कोने में आपस में बैठे गुफ्तु कर रहे थे कि वो एक महसूस करते हैं कि एक औरत जिसके कपड़े फटे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े वो पहने हुए हैं, उसके ऊपर खौफ के आसार वाहिर हैं, दाएं और बाएं इस तरीके से देख रही है कि गोजा वो बहुत चौकन्ना है कोई उसे देख तो नहीं रहा है धीरे धीरे वो इनको इतनी बच्चों के करीब होती है बच्चों ने यह समझा कि शायद हमसे कुछ पैसे मांगने या कुछ मदद की तलबगार होगी उसकी करीब आने को देख करके बच्चे भी उस तरह चौकन्ना हुए, हुए लेकिन जब उस औरत ने सवाल किया तो वो बच्चे खुश भी हुए एक तरफ और हैरान भी रह गए उसने सवाल किया और चारों तरफ देखने के बाद कि क्या तुम लोग मुझे कुरानِ मजीद का एक नुस्खा कुरान मजीद की एक कापी दे सकते हो खिलाफ तो ये सवाल सुनने के बाद जहां बच्चों को तजुब हुआ वहीं पर इस नाहिए से खुशी हुई कि, कि कुरने मजीद किसी को दे देना वो नुस्खा किसी को अतीजिया कर देना हदिया कर देना यह बड़ी अच्छी चीज़ है बच्चों ने बड़ी खुशी का इजहार किया और वादा किया कि आइंदा हफ्ते आज ही के दिन तुम यहीं पर आना हमसे मिलना और हम तुम्हें कुरानी मजीद का एक नुस्खा दे देंगे चुनानचे अगले हफ्ते जबकि वो बच्चे वहां पर मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे तो वही औरत उसी कैफियत से दूर से आते दिखाई देती है यानी कपड़े उसके फटे हुए हैं मुहताजी और फकरो मस्कनत के आधार उसके ऊपर जाहिर है लेकिन वो आने में बड़ी चौकन्ना है कोई उसे देख तो नहीं रहा है धीरे धीरे जब वो करीब पहुंची और बच्चों से सवाल किया तो बच्चों ने कुरान मजीद की एक कापी निकाल करके उसे दे दिया जब उसे कुरान मजीद की एक कापी मिल गई तो उसको अपने सीने से लगाते अपने कपड़ों में रखते उस वक्त की कैफियत अजीब थी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कितनी बड़ी दौलत मिल गई है उसने बच्चों से सवाल किया कि इसकी कीमत क्या है बच्चों ने कहा कि नहीं हम कीमत इसकी नहीं लेंगे कीमत की हमें जरूरत नहीं है ये चीज हम आपको बदौर गिफ्ट और बदौर हदिया और तोहफा के देते हैं लेकिन औरत को यह गवारा नहीं हुआ कि इतनी कीमती चीज और रब की किताब को बगैर पैसे के ले उसने बगैर कुछ सवाल किए अपने हाथों से अपना कंगन जो कीमती था शायद पूरी उसकी जमा पूंजी यही रही हो वो निकालती है उन लड़कों के मना करने के बावजूद वो उनकी तरफ फेंक करके गोजा ये कहती हुई रवाना होती है कि ये मेरे रब की किताब है ये मेरी जिंदगी की किताब है मैं इसको बगैर कीमत के नहीं ले सकती चुनाचे उनके मना करने के बावजूद वो कंगन निकाल करके उनकी तरफ फेंकती है और उस किताब को लेकर के रुखसत होती है अब ऐसा महसूस होता है कि वो अपने हाथ में सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सारी दुनिया लेकर के वहां से रुखसत हो रही है गोया उसकी कैफियत यह थी कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई मेरी प्यारी बहनों खूस ये किस्सा हमने पढ़ा और पढ़ करके मैं बड़ा मुतासर हुआ और इस किस्से से जो हमें अपनी तरबियत के लिए अपने फायदे के लिए और अपनी बहनों के फायदे के लिए जो हमें इसबाक मिलते हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं सबसे पहला फायदा जो हर ालिम के लिए एक सबक है और मजलूम के लिए तसली है कि माजी करीब में सोवियत यूनियन जिसे कहा जाता था उनमें ऐसे हालात रहे हैं कि उस जगह कुरान मजीद का पढ़ना कुरान मजीद की तालीम एक नाकाबिल जुर्म था। कि अगर किसी के पास कुरान मजीद का कोई नुस्खा मिल जाता तो उसकी सजा बगैर महाकमा के कत्ल थी लेकिन कुरान मजीद की अजमत देखिए कि इन हालात में भी मुसलमानों ने वहां कुरान का पढ़ना और पढ़ाना नहीं छोड़ा उसकी सबसे वाजह मिसाल है कि आज से चंद साल कबल दुबई के अंदर हिफ कुरान और तजवीद का जब मुकाबला होता है तो सबसे पहला नंबर लेने वाला कुरान की तजवीद में कुरान के हिफ्ज में सबसे पहला नंबर लेने वाला सोवियत यूनियन का बारह साल का एक बच्चा है इससे अंदाजा लगाए कि इन मुश्किल हालात में जहां कुरान का पाया जाना एक नाकाफिल माफी जुर्मता उस जगह भी उस हुकूमत ने भी मजीद को मुसलमानों के दिल से नहीं खत्म कर सकी और सोवियत यूनियन अपनी पूरी ताकत के बावजूद कुरान मजीद की तालीम और ताम का जो मामला है वो उसे नहीं रोक सकी दूसरा फायदा दुश्मनान इस्लाम शैतान के चेलों की ये पुरानी आदत रही है कि वो अल्लाह के किताब से दुश्मनी करते रहे हैं कुरान दुश्मनी उनकी बड़ी पुरानी है और हर जमाने में इस्लाम दुश्मन लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से कुरने मजीद को मिटाने और कुरान मजीद को खत्म करने मुसलमानों की जिंदगी से उसे दूर रखने की कोशिश की है सबसे पहले ये बेड़ा मक्का के मुश्रिक ने उठाया लेकिन वो नाकाम रहे अल्लाह तबारक वाला फरमाता है وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. लोग ये कहते हैं कि कुरान जब पढ़ा जाने लगे मोहम्मद कुरान की जब तिलावत करने लगे तो उस वक्त तुम शोर मचाओ वहां पर खूब आवाजें अपनी बुलंद करो

कुरान की आवाज लोगों तक पहुंचने में रुकावट बने हैं हम उन्हें सख्त आजाब देंगे और उनके जो बुरे आमाल है उनका अंजाम वो देखेंगे माजी करीब में रूस की दहरिया हुकूमत ने अपना पूरा जोर सर्फ कर दिया लेकिन आखिर वो भी इसमें नाकाम रहे हत्या की कुरान तो अपनी हसी हालत पर बाकी रहा और उनकी हुकूमत तितर बतर हो गई और ये सबक है आज भी जो शख्स पुराने मजीद के सामने आएगा उसका अंजाम उसी तरह से होगा जो कुफार या सोवियत यूनियन की हुकूमत का हुआ है अल्लाह तबारक वाल का यह चैलेंज है इन तू कमा कुम व वलिलफरीन आजाब मोहिन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखते हैं कुबी तू तम कुन कबल हिम वो जलील हुए जैसा कि उनसे पहले लोग जलील हुए हैं और आज आप देख रहे हैं कि जो भी कुरान और रसूल क़ुरान के खिलाफ कोई आवाज उठाता है वो किस तरीके से जलील होता है अल्लाह ताला फरमाता है वक़द ना आयातम बाति वलिलफरीन आजाब मोहिन हमने आयात बैनात नाजिल की है और जो आयात बैनात के सामने आएगा तो याद रखे कि काफिरों के लिए रसुआ कन आदाब है तीसरा फायदा ये कि कर्न करीम का ये मुजजा है कि अल्लाह तबारक वाली ने कुरान करीम की अजीब मोहब्बत कुरने करीम की अजीब गरीब मोहब्बत उसके मानने वालों के दिलों में रखी है हत्या की एक शख्स फासिक और फाजिर होता है शायद वो नमाज ना पढ़े लेकिन कुरान की वो बड़ी इज्जत करता है शायद वो नमाज में कोताही करे लेकिन कुरान से वो मोहब्बत करता है मादी करीब और मादी बीद की तारीख बतलाती है कि अहले कुरान के दिलों में कुरान की अजीब व गरीब मोहब्बत रही है सहाबे कराम का कुरान से महब्बत का ये आलम था कि एक सहाबी किसी सफर में जा रहे थे अल्लाह के रसूल और किसी गजवा के अंदर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिम्मेदारी चौकीदारी की लगाई वो एक टीले पर खड़े होकर के चौकीदारी करते हुए ताकि बेदार रहे वो नमाज में मशगूल हो गए और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं एक दुश्मन आता है पीछे से उन पर तीर चलाता है तीर उनके जिसमें पैवस्त होता है लेकिन तीर को निकाल करके रख देते हैं अपनी जान की परवाह नहीं है लेकिन कुरान मजीद की वो लज्जत उन्हें मासूस हो रही है कुरान करीम की वो मोहब्बत है कि बार तीर लगता है और उसे निकाल कर रख देते हैं और अपने मजीद की जो तलावत है उसको जारी रखते हैं इसकी मिसाल आपको दुनिया में किसी और किताब से मोहब्बत की नहीं मिल सकती है हजरत इकर अबी जहल मालूम है कि ये बहुत बाद में मुसलमान हुए हैं फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए लेकिन उनका आलम यह था कि जब वो कुरान मजीद को पढ़ने बैठते तो पहले उसे अपने मुंह से चूमते और चूम करके किताब रब्बी किताब किताबो रब्बी कहते हुए देर तक उसे चूमते रहते और रोते रहते रतमान गनी रजीलों के कातिल उनके सर पर खड़े हैं उनके का हाथ में नंगी तलवार है और कत्ल के इरादे से दाखिल हुए हैं लेकिन हाँ उस्मान गनी रजी हो कुर मजीद की तेरावत को जारी रखे हुए हैं और उनकी तरफ मुतवजह नहीं होते पहले पारे की इस आयत तक जब पहुंचते हैं फसल अलीम तो वालिम और बागी कातिल उनका सर उनके तन से जुदा कर देते हैं और खून कुरान मजीद के ऊपर गिरता है इसी तरीके से हमारे और आपके सामने एक ऐसा नाम है कि जब वो ना हमारे और आपके सामने आता है तो जुल्म और बरबरीयत की कितनी दास्तानें हमारे सामने आ जाया करती हैं वो नाम हज्जाज इब्ने यूसुफ का नाम है हज्जाज इब्ने यूसुफ का नाम है कि उसने कितने सहाबा को जलील किया उसने कितने मासूमों को कत्ल किया लेकिन इस वुल्म और इस फिस्क के बावजूद भी इमाम जाहबी रह लिखते हैं कि कुरान मजीद से अजीब मोहब्बत करने वाला था यानी जरा आप गौर करें कि जो शख्स अपने जुल्म में इस हद तक पहुंचा हो उसके बावजूद कुरान मजीद की मोहब्बत उसके दिल से नहीं जाती है चुनान से भी कहा जाता है कि आज कुरान मजीद के ऊपर जो एराब है उन एराब को लगाने वाला हजा जिमने यूसुफ ही है इमाम जहाबी कहते हैं वो कुरान की से बड़ी मोहब्बत और कुरान की बड़ी इज्जत करने वाला था इसी तरह साथियों हमें और आपको इस किस्से से एक सबक और भी मिलता है कि हमारे लिए बाबर है कि हम इस कुरान की कुरान तो मजीद की तिलावत करने की इजाजत है दुनिया में कम से कम हमारे लिए कोई ऐसी रुकावट नहीं बनती है कि हम कुरान मजीद को खरीद ले हासिल कर लें और उसकी तिलावत करें बल्कि आज भी हर मुस्लिम घर के अंदर शायद ही कोई मुस्लिम घराना हो कि उसमें कुरान मजीद के दो चार नुस्खे ना पाए जाते हों बल्कि हमारे यहाँ बाद इलाकों में तो ये रवाज है कि औरत को जब उसके घर पहली बार रुख्सत किया जाता है तो उसे जो चीजें बतौर जहेज के दी जाती हैं उनमें कुरान मजीद का एक नुस्खा भी हुआ करता है ये हमारे और आपके लिए एक बाई से इबरत चीज है एक सबक है कि आज हमें कुरान अपने पास रखने कुरान मजीद के पढ़ने की आज हमें और आपको मोहलत मिली हुई है हम उसकी कदर करें अगर हम उसकी कदर नहीं करते हैं तो कहीं ऐसे हालात ना पेश आ जाए जैसे सोवियत यूनियन के अंदर थे कि हमें कुरान मजीद पढ़ने से रोक दिया जाए तो कुरान को नहीं छीना जा सकता है अलबत्ता हमारे घरों से और हमारे हाथों से कुरान मजीद को छीन लिया जाए इससे हर मुसलमान को खसूस हमारे हर हिंदुस्तानी मुसलमान को इससे इबरत लेनी चाहिए और कुरान मजीद की तिलावत और उसके तालीम और उसके ताल्लुम को अपनी जिंदगी का एक मकसद और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझना चाहिए इसी तरीके से ये वाक़ कुरान मजीद के हिफ इलाही का एक बड़ा अहम मजहर है यानी अल्लाह तबारक ने इस किताब को नाजिल किया है और अल्लाह तबारक किताब का मुहाफिज है इन्ना इन्ना लहू हमने इस यानी मजीद को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं जाहिर बात है यह हिफाजत अल्लाह तला फरिश्तों को भेज करके नहीं कराएगा यह किताब की हिफाजत इस तरह नहीं होगी अल्लाह तला इसे उठा लेगा नहीं इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक वाल अपनी मखलूक में ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो इससे महबत करेंगे जो इसकी हिफाजत करेंगे जो इसकी तालीम और तालुम का एहतमाम करेंगे उसी का एक मजहर यह है कि अल्लाह तबारक वाला ने इस किताब की महब्बत मुसलमानों के दिलों में बहुत ज्यादा रखी है इस कदर महब्बत रखी है कि जिस कदर मुसलमान कुरान मजीद की हिफाजत पर देता है शायद वो अपने घर के माल और असाथे के ऊपर कि लेने के लिए आती है एक गरीब औरत थी जिसके कपड़े ये बता रहे थे कि हाँ भाई ये गरीब है जिसकी है कि ये गरीब है शायद उसके पास दुनिया में जो माल था ये वही कंगन रहे हो लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में यह मोहब्बत डाली थी कि ये किताब लेने के लिए उसने उन कोयती बच्चों से मुफ्त में हदिया नहीं लिया बल्कि अपनी कीमती चीज पेश कर दी ये इस किताब से मोहब्बत की एक दलील है और यह अल्लाह तबारक तआला की देन है बल्कि साथियों इस किताब की अहमियत और मोहब्बत का बल्कि किताब के मुज्जे का और किताब की हिफाजत का मजहर का सोवियत यूनियन में तो ये हाल था कि वहां कि जो लोग गए हैं उन लोगों ने आकर के मुझसे बयान किया कि बसा औकात एक शख्स जो कुरान पढ़ता था वो ऐसा शख्स था कि हुकूमत की नजर में उसे डिक्लियर कर दिया गया था कि जहां मिले इसे कत्ल कर दिया जाए लेकिन लोग उसकी हिफाजत किस तरह करते थे उसकी हिफाजत का ये इंतजाम रखा था कि एक घर बनाते थे जिसमें सीढ़ी नहीं रहा करती थी और उस घर के छत के ऊपर उसके रहने का इंतजाम करते थे और वहां पर वो महीने दो महीने छह महीने रह जाया करता था सीढ़ी लगा करके बच्चों को उस पर चढ़ा दिया गया ताकि लोग आए तो महसूस हो कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है बच्चे जाते सीढ़ी को हटा लिया जाता वो बच्चे वहां पर तालीम हासिल करते और जब तालीम हासिल कर लेते तो वह बच्चों को वहां से रुखत किया जाता लेकिन उस शख्स को एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव किस तरह रोकसत किया जाता एक अजीब तरीका उसके लिए उन लोगों ने अपनाया था होता यह था कि जब उसे एक गांव में उसने अपना मकसद पूरा कर लिया यानी बच्चों को कुरान की तालीम दे ली अब दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो वो लोग एक जनाजे का बहाना करते थे और गोया की एक चारपाई है एक लाश है उसे दफन करने के लिए कब्रस्त ले जाए जा रहे हैं और उसी पर उस शख्स को लिटाया जाता था ताकि जो गवर्नमेंट के मुखबरीर हुआ करते हैं जो सीआईडी होते हैं उनको ये शुभहा ना हो कि इसमें भी कोई आदमी हमारा ऐसा शामिल होगा जिसे पकड़ना चाहिए चुनान वो लोग वहां पर ले जाते और एक अजीब गरीब अंदाज से वहां पर दूसरे गांव के लोग आए रहते वहां उनके साथ रुख्सत कर दिया जाता और खाली चारपाई को लाता इस तरीके से वो शख्स एक गांव से दूसरे गांव दूसरे गांव से तीसरे गांव मुंतकिल होता रहता लोगों को कुरान मजीद की तालीम देता तो खैर मैं ये कह रहा था कि कुरान मजीद के हिफ्ज इलाही का ये मधर है ये वाक़ कि अल्लाह तबारक वाली कुर मजीद की हिफाजत किस तरीके से करता है यानी अल्लाह तला कुरान मजीद की हिफाजत के लिए फरिश्तों को नादिल नहीं फरमाएगा बल्कि इंसानों ही से और मुसलमानों ही से उसके कुरान मजीद की हिफाजत का इंतजाम इसी तरीके से करता रहेगा इसी तरीके से ये बात वाज रहनी चाहिए और दुनिया के हर वालिम को यह पैगाम है कि जिस किताब की महब्बत अल्लाह तबारक वाली उसके मानने वालों के दिल में इस तरह से रखी हो इस कदर मोहब्बत रखी हो तो उसका मिटाना और उनकी जिंदगियों से दूर करना यह किसी गालिम के बस की बात नहीं है अगर कोई गालिम यह चाहता है कि हम कुरान मजीद को सिर्फ उसके ऊपर एतराज करके उसमें ऐब निकाल करके उसकी बाज आयात के ऊपर हमले करके और उन्हीं खुद जो अपने को मुसलमान कहते हैं उनमें से कुछ लोगों को तैयार करके अगर हम यह चाहते हैं कि कुरान मजीद को मुसलमानों के दिल से निकाल दें और एतराज करके ऐसा कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक वारा ने ली है लिहाजा साथियों जो इस किस्से से आखिरी पैगाम हमको मिलता है वो यह है कि हम और आप इस किताब की तालीम और तालम का एहतमाम करें इस किताब के जो हकूक अल्लाह तला ने हमारे ऊपर रखे हैं सबसे पहला हक इस किताब के ऊपर ईमान ले आना है दूसरा हक इस किताब की तिलावत करना है तीसरा हक इस किताब को समझना है चौथा हक इस किताब की तालीम देना है पांचवा हक इस किताब के ऊपर तदब्बर करना है छठा हक इस किताब के ऊपर अमल करना है अगर हम चाहते हैं कि इस किताब के मानने वालों में और इस किताब की हिफाजत करने वालों में हमारा और आपका शुमार होगा तो हमें इस किताब के हकूक अदा करने पड़ेंगे इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के तालीम और ताम पर बड़ा अजर रखा है चुनानचे अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इर्शाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो शख्स है उससे बेहतर कोई और शख्स नहीं हो सकता कि अल मनता जो कुरान सीखे या सिखाए जो कुरान की तालीम देता है या को खुद सीखता है तो शख्स तुम में सबसे अफजल शख्स माना गया है और ये क्यों ना हो जब कुरान मजीद दुनिया के सबसे अच्छी किताब ठहरी कुरान मजीद दुनिया के सबसे सच्ची किताब ठहरी लिहाजा कुरान मजीद को पढ़ने वाला कुरानِ मजीद को पढ़ाने वाला भी दुनिया का सबसे बेहतर शख्स होगा सच फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स सच मजीद का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला उसे दस नेकियां आता फरमाता है मैं ये नहीं कहता अलिफ लामफ है बल्कि अलिफ एक हर्फ है।, एक हर्फ है लाम एक हर्फ है मीम एक हर्फ है अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तबारक हमें और आपको इस किताब से मोहब्बत करने वाले हमें और आपको इस किताब की कदर करने वाले हमें और आपको इस किताब से दिफा करने वालों में बनाए यहीं पर हम रोकते हैं अगली मजलिस में एक नए किस्से और एक नए सच्चे वाक्य के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे इजाज़त है व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें